हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन वाली कार जो सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो जाती है और ये चलती है 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये एआई कार जो रिसेंटली है ना शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हुई थी और इसे है ना स्पेशली इंडियन रोड्स पर चलाने के लिए बनाया गया है। और एआई से इसका मतलब है पूरी तरह से ऑटोमेटेड कार है, जैसे टेस्ला कार हुआ करती है बिना ड्राइवर के वो चल सकती है, वैसे ये वाली कार भी बिना ड्राइवर के चल सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कार के सारे फीचर्स दिखाने वाला हूँ, अंदर से ये कार दिखाता हूँ कि कैसी होती है, ये कैसे चलती है और कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं। देखो ये है इसके फ्रंट का ओवरऑल लुक, सामने इसके है ना लैंप्स लगाए गए हैं और मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये एआई कार की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है, ये फोर टायर्ड कार है और ये देखो यहाँ पर इसमें है ना सीजर डोर्स लगाए गए हैं जो ऐसे ऊपर की तरफ खुलते हैं। मैं अंदर के फीचर्स आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ देखो कुछ ऐसा लुक है, यहाँ पर कार का नंबर प्लेट है, यहाँ पर कार के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। ये कार को है ना यवतमाल के वानी में रहने वाले हर्षल नक्शाने ने बनाई है। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो ये कार के बारे में हमें और बताइए। ये कार हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल है जी। इसके अलावा इसमें ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी है ओके। जिसके बदौलत आपको इंडियन रोड्स पे विदाउट ह्यूमन ड्राइवर कार चलाने में हेल्प होती है ओके। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक्सीडेंट सेफ्टी में भी इसके बेनिफिट्स होंगे ओके। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। ये हाइड्रोजन की बात की तो आपने इसमें कितने किलो तक हाइड्रोजन एक साथ में डाल सकते हैं? इसमें फिलहाल तो 5 किलो की टैंक है, बट फिलहाल क्या व्हीकल में 1 किलो की कैपेसिटी अवेलेबल है। अच्छा ओके। इसके अलावा हम इसको टैंक एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम रिफिल भी कर पाते हैं। तो ये रेंज कितनी दे रही है वैसे? 1 किलो हाइड्रोजन में 250 से 300 किलोमीटर चलती है। अच्छा, अगर हाईवे पे हो तो आपको 300-320 मिल जाती है। अच्छा, सिटी में हो तो 250-280 के आसपास मिल जाती है। अंदर की तरफ हमें क्या क्या फीचर देखने मिल रहे हैं? आपको फीचर मिल जाएगा, एक डिस्प्ले मिल जाएगा ओके। आपको गाड़ी के कोच वगैरह कुछ सेट करना हो या कैमरा वगैरह देखना है, ये रियर व्यू के लिए 2 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कैमरा है फेस डिटेक्ट करता है, जो कि हमारे टीम मेंबर्स के अलावा या फिर जो भी इसका ओनर रहेगा फ्यूचर में उनके अलावा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पाओगे। यहाँ पे सीन स्कैन करने के लिए हमने एल्गोरिथम यूज किया है, ये अंडर डेवलपमेंट है और इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा। फिर आपको एक आइडिया आ जाएगी इसमें कि जब आप इसको गाड़ी को रन करते हो तो आपको स्पीड बताएगी और आजू बाजू में जो आपको स्पेस दिख रही है यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन करने के लिए ये व्हीकल या फिर डिटेक्ट करेगी। ये जो आपको सीन दिख रहा है ये तो फिलहाल आउटसोर्स किया वाला है, लेकिन इसके पीछे का जो एल्गोरिथम है जो व्हीकल में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के थ्रू व्हीकल को कंट्रोल करते हैं वो सब इसमें आप देख पाओगे कि एक्चुअल में डेटा क्या आ रहा है और इनपुट आउटपुट क्या है। ये ना काफी कंफर्टेबल है और यहाँ पर कुछ भी ऐसे जर्क जैसे हमें महसूस नहीं होते। ये है ना काफी ऐसे रोड पर स्मूथ चल रही है और ये रोड पर निकलती है ना तो ये काफी आई कैची है, लोगों का काफी अटेंशन ग्रैब कर रही है। ये देखो काफी स्मूथली यहाँ पर चल रही है और देखो यहाँ पर हमें रोड का पूरा व्यू भी दिखाई दे रहा है, ये जैसे हमारी जो हाई एंड कार्स में आज के टाइम पर हमें दिखता है। और देखो यहाँ पर साइड व्यू मिरर्स दोनों यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, एक वो तरफ भी है यहाँ। तो अभी हमारी कार है ना ऑटोमेशन मोड पर चली गई है और यहाँ पर देखो टर्न्स भी वो अपने आप ले रही है। स्टेयरिंग पर देखो कोई भी हाथ नहीं रखा हुआ है फिर भी ये अपने आप टर्न्स ले रही है, क्योंकि ये कार के है ना चारों तरफ और सेंसर्स और कैमराज लगे हुए जिससे वो इंडियन रोड्स को डिटेक्ट कर लेती है, आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेती है। देखो यहाँ पर कार आई उसको भी ये आसानी से ओवरटेक करके आगे निकल चुकी है। सिर्फ सेफ्टी के लिए एक बंदा यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको बैठने की भी जरूरत नहीं है, ये बिना ड्राइवर के भी एक पूरी कार चल सकती है। ये कार को डेवलप करने में तकरीबन 18 से लेकर 2 साल का समय लगा है। अच्छा, एज आप होल बॉडी पकड़ोगे बाकी कंपोनेंट से वो जी जी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसको हमको काफी टाइम लगा है ओके। एक्चुअली फ्यूल सेल के पीछे का आइडिया ये था कि जब मैं पॉलिटेक्निक भी था तब हमारे एचओडी सर ने कहा था कि आपको जो है व्हीकल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज कर पाओगे, बट उसकी टेक्नोलॉजी जो अभी तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो गई उसकी। अच्छा, तो हमने सोचा कि इसको बना के एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते। तो मैंने 2015-16 में छोटा सा 3 वोल्ट का एक फ्यूल सेल बनाया था ओके। जिसको फिर हम इंक्रीज करते करते 15 किलोवाट तक पहुंचे थे, तब हमारी एफिशिएंसी काफी कम थी ओके। बट हमने कुछ उसमें इनोवेशन किए जिसके बदल हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिली, तो हमने सोचा कि इसको कार में क्यों नहीं लगा पाए। तो हम दूसरे कोई कार को यूज करने से अलावा हम खुद की बनाना चाहते थे, क्योंकि ब्रांड रिकॉग्निशन भी रहेगा और हमारी जो काबिलियत है उसका आपको एक एग्जांपल अभी हम सेट कर पाएंगे। इसलिए फिर हमने कार बना के उसमें फ्यूल सेल को लगाया है। बनाने में पूरी कॉस्टिंग कितनी लगी आपकी? तकरीबन अभी तक 80 लाख रुपीज लग चुके हैं। आपने जब शार्क टैंक का एपिसोड देखा होगा तब वो 4-5 महीने पहले शूट हुआ था ओके। उसके बाद भी हमारी डेवलपमेंट कंटिन्यूटी में चालू ही है और हम और डेवलप कर रहे हैं फ्यूल सेल को, ताकि हम एक रिबर्स्ट और रिलायबल फ्यूल सेल बना पाए जो कि फ्यूचर के बहुत ज्यादा कार्स में हो गया, ट्रक्स में, बसेस में, इवन एयरक्राफ्ट में भी यूज हो पाएगा। इसको रोड पे ले जाते हो तो क्या ये आरटीओ रजिस्टर्ड है अभी?
ये तो आईटीओ रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, okay. बट हमने कुछ अथॉरिटीज से परमिशन लिए जिसको हम डेमो या कुछ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए गाड़ी को लेके जा सकते हैं। और इसको लेके कुछ अभी फ्यूचर प्लान्स है आपके? ये तो पहला प्रोटोटाइप है, हमारे दूसरे प्रोटोटाइप पे हम वर्क कर रहे हैं, okay. जो कि ARAI जैसे एजेंसीज में गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा, तो जैसे वहां से अप्रूवल होता है फिर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के सेल कर पाएंगे, तो वो अभी डिजाइनिंग फेज में है, करेक्ट, वो जल्दी प्रोडक्शन के लिए हम उसको रेडी करेंगे। सर ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक है तो बिना ड्राइवर के चल सकती है ये? ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलने के लिए कैपेबल है, बट हमको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, उनके अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट पे एक पर्सन बैठ के होना जो आगे में कंटिन्यूटी में देखते रहे, okay. अगर कंप्यूटर कुछ मिसबिहेव करता है तो वो ह्यूमन टेक ओवर कर ले, इस वजह से अगर आप ऑटोनोमस चला रहे हो स्टीयरिंग को बस हाथ भी लगाते हो तो गाड़ी आपको मैनुअल ड्राइव के लिए कैपेबिलिटीज दे देगी। करेक्ट करेक्ट। और इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या है वैसे? सेफ्टी फीचर तो हमारा AI ड्राइव सिस्टम है जो कि खुद में काफी सेफ सिस्टम है, अगर आपके व्हीकल के सामने में कोई व्हीकल है अगर वो ब्रेक मारती है तो हम ह्यूमन उसको देख नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, बट हमारे गाड़ी में जो सेंसर लगते हैं वो गाड़ी की आगे वाले गाड़ी के आगे की गाड़ी की स्पीड डिटेक्ट कर लेगा कि वो स्लो हो रही है जिसका इंपैक्ट हमारे कार को हो सकता है, तो पहले ही ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। इतना ही नहीं, नॉर्मली कार की जो कोई भी आप इंडिया में कार देखोगे उसकी क्रैश टेस्ट 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास गवर्नमेंट कराती है बिफोर गोइंग टू रोड और लीगल, तो उसमें भी अगर आप हाईवे में चल रहे हो और 120 की स्पीड से अगर आपका क्रैश हो जाए तो आप देखोगे कि ब्रूटल लाइफ लॉस होता है। जैसे साइरस मिस्त्री सर थे टाटा के, काफी बड़े ऑफिशियल थे, उनका भी मर्सिडीज कार में एक्सीडेंट हो चुका है, बट उसी को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी में क्रम्बल वेल बनाया है जो कि 150 प्लस किलोमीटर की स्पीड में आप गाड़ी को क्रैश करते हो तो भी आपके इनसाइड पैसेंजर की प्रीसियस लाइफ हम सेव कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच आपकी ये कार दिखाने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। राइट, सो गाइस यही कुछ था इसका ओवरऑल लुक ये पूरी कार का, मैंने आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताया। अगर आप ये कार के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो इनके AI कार इंस्टाग्राम पेज पर जाकर इनको DM भी कर सकते हो या फिर उनके पोस्ट भी चेक कर सकते हो जहाँ से आपको ये कार के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये कार कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन, सो गाइस स्टे सेफ, spread love and happiness, do whatever you want to do but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Until that time, goodbye.